बस ठीक। कहां से हो तुम? अरे मुंबई। भाई अगर मुंबई इतना बदसूरत है तो यार मैं अभी किसको कॉल पे लूं यार। मतलब अरे बंबई अगर ऐसे होगा, मुझे तो ऐसे लग रहा है तू बंबई में किसी जेल में है, कहां धारावी में रहता है क्या? नहीं, बैंड्रा चलिए बैंड्रा ऐसा है क्या? बैंड्रा तो बहुत पॉश इलाका है। अच्छा काटा रोड के उधर रहता हूँ, काटर लाखे रोड। काटर एक्सटेंशन रोड पे में। कहां पे है? राजन शेटली रोड पे रहता है क्या? अच्छा बिरला अच्छा कॉलोनी। अच्छा वहां पे जो रिजवी कॉलेज ऑफ फॉर्टल हाँ हाँ मैनेजमेंट है वहां हाँ पे रहता है रिजवी हाँ कॉलेज। हाँ वहां पे तो दो कॉलेज है, एक स्प्रिंगफील्ड है और उसके बाद में और दूसरा एक, रिजवी है। हाँ ये पाली हिल है ना, रेलवे कॉलोनी। अच्छा अच्छा हाँ। तो वहां पे एक बिल्डिंग है हिल पोस्ट करके, वहां पे रहता है क्या हिल पोस्ट? नहीं, रेलवे कॉलोनी। अच्छा रेलवे कॉलोनी में रहता है साला। अच्छी वहां पे तो तेरा बाप क्या रेलवे में साफ सफाई कर्मचारी है क्या? नहीं, ट्रेन चलाता है। अच्छा ट्रेन चलाता है। तो कभी तेरे पापा ने बोला नहीं कि नीचे सो जा करके तेरे ऊपर एक स्पीड से लेके जाता हूँ 400 की नहीं स्पीड से? हाँ नहीं वैसे मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा बड़ा फैन है तू तो। तेरे वो रेलवे कॉलोनी के बाजू में तो वो आशीर्वाद का बंगला भी है, वो जो राजेश खन्ना है उसका बंगला बाजू में है आशीर्वाद। हाँ। और अरे वो उसके बहुत बाद में प्यारा थोड़ा है आगे जाएंगे तो वो खारडांडा है, मछुआरों खारडांडा। की बस्ती है जहां पे वो हिंदुस्तानी बाबू रहता है। राइट साइड में वो जो मछुआरों की बस्ती है, आप मिलो वो कभी जो हिंदुस्तानी बाबू झोपड़पट्टी को? एरिया है वहीं पे रहता है ना वो हिंदुस्तानी बाबू, वो झोपड़पट्टी में। और उसके बाद में वहां पे वो अमृत सोसाइटी भी है जहां पे शाहरुख खान रहता था, अमृत सोसाइटी। उसका नहीं पता। ये बैंड स्टैंड पे तो ये रहता है सलमान खान और शाहरुख खान। अरे चूते मैं कार्टर रोड की बात कर रहा हूँ, ये मन्नत के अच्छा पहले शाहरुख खान कार्टर रोड पे रहता था, अमृत सोसाइटी में। जब उसने उसकी पहली मूवी की थी ना दीवाना, और हेमा मालिनी की बेटी के साथ दिल आशना है, तो तब वो वहां पे रहता था कार्टर रोड पे, अमृत सोसाइटी में। तुझे पता नहीं है नहीं इतना आइडिया नहीं है। साले, तू रेलवे कॉलोनी में रहता है, तेरी क्या औकात है बड़े बड़ी बिल्डिंग में कौन कौन रहता है वो जानने की? तेरी जिंदगी तो रेलवे कॉलोनी में गई है। मैं वैसे राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। लेकिन शक्ल तो तेरी श्रीलंका की है, क्या वो था चेहरा खराब हो गया है। सरने में तेरा, क्या बैरवा 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 बड़वा? बैरवा अच्छा तो बड़वा रख लेना तेरा सरने में, क्यों? शक्ल भी वैसी है तेरी, बड़वे जैसी। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तेरी आरती उतारू क्या मैं? क्या रे, तेरी आरती उतारू? अच्छा आप ये क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान भाव को मिले हो? उसकी तो हड्डी तोड़ूंगा मैं, उसको मारूंगा मैं, डंडा मारूंगा। वो लड़कियों की इज्जत नहीं करता है वो। अरे साले तुमको अगर किसी औरत ने जन्म दिया है तो तुम इंसान होने के बाद अगर तुम इंसान की इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हें जीने का क्या हक है इधर? हाँ एग्जैक्टली करेक्ट। अभी देख मैंने तेरे को कॉल पे लिया, बराबर है? तूने हाँ मेरी इज्जत की, मैंने तेरे को इज्जत दी, बराबर है? करेक्ट। अगर मैं तेरे को माँ बहन की गाली दूंगा तेरे को अच्छा लगेगा? नहीं अगर मैं तेरे को कहूंगा तेरी शक्ल जले हुए समोसे जैसी है तेरे को अच्छा लगेगा? नहीं बुरा लगेगा ना तेरे को? आज अगर तू मेरे लाइफ में आया है तो मैंने तेरी इज्जत दी है तेरे को, इसीलिए तू मेरे लाइफ पे आया है। मैं अगर कहूंगा कि तेरी शक्ल बेचो किसी, क्या कहूं मैं, ऐसे नाली के गंदे कीड़े जैसी है तू दिखता है वैसे, मुझे बुरा नहीं लगेगा। वो बात अलग है कि तू दिखता है, लेकिन बुरा लगेगा ना तुझे? तो भले तू बदसूरत है, भले दिखने में तू काला कुत्ता है, लेकिन मेरे मुंह से तो तेरे बारे में अच्छा ही निकलेगा, क्योंकि करेक्ट। तू मेरे लाइफ पे आया है, मेरा मेहमान है तू। अच्छा लगेगा तू मेरे लाइफ पे आएगा, मैं गोबर पे चप्पल डुबो के तुझे मारूंगा, अच्छा लगेगा नहीं है ना? तो जब साले तुम लोगों में इंसानियत ही नहीं है तो फिर तुम्हें तो मारना ही पड़ेगा। हिंदुस्तानी भाव के ऊपर मैं इसीलिए गुस्सा करता हूं क्योंकि वो लड़कियों की इज्जत नहीं करता है, करेक्ट उसके कॉल पे जो लोग आते हैं उनकी वो इज्जत नहीं करता है। करेक्ट। आज तू मेरी इज्जत करता है, मैं अगर बैंड्रा आऊंगा तो तू मेरे पैर धोके पानी पिएगा, ये बात तू मानता है? क्यों करेक्ट मानता है? क्योंकि मैं एक ठीक। पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं समाज के लिए कुछ ना कुछ करता हूं, बराबर है कि नहीं? आज समाज में मैं मेरे वीडियो से जन जागृति फैलाता हूं, करेक्ट। मेरे वीडियो प्यार से भरपूर होते हैं, ये बात मानता है तू? मानता हूँ। अरे मैं समाज को ये बताता हूं कि तुम क्या सिर्फ लड़की से प्यार करते हो, लड़के से भी प्यार करो। आज मैं लड़का हूं, लड़का मैं करेक्ट। लड़की से भी प्यार करता हूं, लड़के से भी प्यार करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं दोनों के बाइसेक्सुअल साथ? हूं, दोनों अच्छा की लेता हूं मैं, तेरी भी लूंगा, तेरी गर्लफ्रेंड की भी लूंगा। क्यों? सिंगल हूँ क्योंकि मैं मैं। प्यार करता हूं सबसे, इसीलिए लोग मेरी इज्जत करते। अगर मैं तेरी अकेली की लूंगा तुझे बुरा लगेगा, दोनों की लूंगा तो खुश होगा ना तू?
हाँ अच्छा आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे हाँ बोल। को राखी सावंत से मिलना, आप मिला सकते हो? अरे वो तो तेरे ऊपर थूकेगी भी नहीं। अच्छा मैं उससे पहले ही मिल चुका था कोई इवेंट्स के रिलेटेड, तो क्यों, उसके तू बाद क्या मिला काम नहीं। करता है? इवेंट्स करता हूँ मैं। अच्छा तू इवेंट करता है तो मेरे को इनवाइट कर वहां पे सेलिब्रिटी, तेरी इज्जत बढ़ेगी। अच्छा आज जो मैंने तेरे को इज्जत दी है मेरे लाइफ पे, तो तेरे को तो मेरे को बहुत पैसा देके उधर इनवाइट करना चाहिए तेरे शो में। नहीं इतना रिच नहीं हूँ, मैं सिर्फ अर्न कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा। वो तो दिखाई दे रहा है तेरा घर से, तेरा फर्नीचर से कि तू फर्नीचर है जो भी है, बट बुला तो सकता है ना मेरे को तू। अच्छा और बाकी मेरे को ये सब ठीक? बाकी सब ठीक। बाकी देख तेरे पापा का ट्रेन चलाने का काम करते हैं, जब भी तेरे को लगेगा कि भाई तू निकम्मा है निठल्ला है, तेरे पापा को बोल कि मेरे को पटरी पे सुला दो और मेरे ऊपर ट्रेन चला दो। मैं सच्ची कह रहा हूं भाई, ऐसा कर तू। मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूं कि मैं तुझसे नफरत करता हूं, लेकिन क्यों यार, क्यों बोझा बन के रहना, करेक्ट। समझा? क्योंकि तेरा ना इवेंट का चल रहा है, तू कुछ कर रहा है वहां पे, सिर्फ वहां पे जहां पे हाथ लगाएगा जमीन काली कर रहा है, घर के बर्तन काले कर रहा है, तो उससे अच्छा आज ट्रेन के नीचे अच्छा रहेगा तेरे लिए भी। अच्छा मेरे को ये क्या बोलते हैं, अरे मेरे को राखी सावंत से मिलना, आप मिला सकते हो? अरे साले मैं तेरे को जूते से मार रहा हूं, तेरी इतनी इज्जत उतार रहा हूं। अभी तक दूसरा कोई बंदा होता ना साले टट्टी खा के मर गया होता, लेकिन तू साले इतना कुत्ता इंसान है, तू अभी भी कह रहा है कि तेरे को राखी को मिलना है। अरे साले फेमस होने के लिए क्या अभी हमारी इतनी चाटेगा क्या? कुछ तो शर्म कर फेमस नहीं ले मेरा ड्रीम साले। है। अरे तो तेरा तो ड्रीम मेरी चप्पल खाने का भी है, मेरी चप्पल खाएगा? अरे यार सर प्लीज ना। तेरा ड्रीम है राखी को मिलने का, बोल। मैं दीपक का सबको बोल कि मैं दीपक का गुलाम हूं, बोल बोल। मैं दीपक का गुलाम हूँ। और मैं और मैं क्या, कि मैं दीपक के पैर धो के पीऊंगा, बोल। मैं दीपक के पैर देख पीऊंगा। ठीक है मिलवा देता हूं मैं तुझे आपको साला कांटेक्ट कैसे? गुलाम। नीचे झुक, कोड़ा हो जा, नीचे झुक, झुक नीचे, साला निकल, गुलाम कहीं का साला। राखी को मिलने के लिए, मेरी ऑटोग्राफ लेने के लिए, मेरी सेल्फी लेने के लिए गाली खाओगे तुम लोग, गाली खाओगे? हाँ सालो। अरे आज जो हम लोगों ने शोहरत इज्जत कमाई है ना, खुद के दम पे हमने कमाया है, तुम लोग भी हमारे जैसी कमाओ। हाँ हमारी गाली मत खाओ, खाओ। हमारा फेम खाते हो, हमारा फेम खाते हो साले। कुछ तो शर्म करो साले, गंदे नाली के कीड़े। आचा ऑफिशियल मानी गुज्जर। बहुत हाँ सटीक है जाओ, टक्कर, तेरी बहन चोद दूंगा बहुत सटीक है, दूसरे रंदे टक्कर लेगा तू, तेरी बहन चोद दूंगा बहुत सटीक है, दिल्ली में आता डेरे पत्ते पर आता, तेरी बहन की चोद साढ़े मंगो कर करके मारेंगे, रंडी के बच्चे किलोड़े टॉट पे बाढ़नी है, लौट उसे तो। चलो तो बजाना बोलो तो बजाना, बहुत सटीक है लाइव एड करेगा तू, औकात है तेरी बहुत सटीक है दूसरे ने गाली देने की, शकल देख अपनी रंडी के बच्चे, डंड ले तेरी माँ की लूँ चूत रंडी के बहुत सटीक के गाली देगा तू, तेरी माँ का भोसड़ा ले बहुत सटीक के डंड ले ले, तेरी माँ की चूत रंडी का मर साड़ा बोलने के औकात ना है, साले बढ़वे चट बैठ चोद रंडी का बच्चा बैठ का रंड, गया बोल तो सही, बोल कुछ बोल हालांकि भोसड़ी के कुछ, तेरी माँ की चूत बैठ के लंड गुजरन तक लेगा, गुजर है भोसड़ी के गुजर कौन फाड़ देंगे चीर के बीच में आता है, तेरी माँ की चूत रंडी के बच्चे टट भोसड़ी के, तेरे जैसे ना एड भी ना करूं मैं रंडी के टट बैठ के लंड, अपने बंबई के ही अच्छे हैं, दिल्ली के लोग अच्छे नहीं है, बंबई के अच्छे हैं, मेरे गुलाम बनते हैं, बहुत अच्छे हैं बंबई के लोग, इसीलिए मैं दिल्ली में ही जाता हूं। मेरी मौत किसी गुज्जर के ही हाथ से लिखी है, गुज्जर लोगों ने मुझे बहुत पीटा है, मेरी मौत गुज्जर ही करेगी, या जाट हरियाणा में मेरी मौत होगी। मेरा बंबई अच्छा है, बंबई के लोग अच्छे हैं, हरियाणवी लोग बहुत डेंजरस हैं,
बाहर जा